परफेक्ट हेडशॉट मारने के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी का होना जरूरी है। परफेक्ट सेंसिटिविटी रहेगी उतने ही परफेक्ट हेडशॉट लगेंगे, लेकिन परफेक्ट सेंसिटिविटी आज तक हमें किसी को मिली नहीं है। आज एक सेंसिटिविटी अच्छी लगती है तो कल दूसरे दिन वो सेंसिटिविटी हमें खराब लगने लग जाती है, तीसरे दिन फिर हम उसको वापस से चेंज कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको परफेक्ट सेंसिटिविटी फाइंड करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने बिगिनर टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, फुल कोर्स ब्लू स्टेक्स फ्री फायर में इजीली कैसे खेले उसका डाल रखा है। आपको नई वाली एक प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी मेरे चैनल पर, तो वो जाकर जरूर विजिट कर लेना ताकि आप अच्छे से गेम प्ले कर पाओ अगर आप गूगल प्ले बीटा से शिफ्ट हुए हो इस पर या फिर न्यू पीसी प्लेयर हो। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरी ब्लू स्टेक्स की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ब्लू स्टेक्स में भी हमारी डीपीआई रहती है, तो यहाँ पर मेरी आप जो इसकी बात करते हो देखो ये मैं एफपीएस जो रहता है मैंने वो 220 पे रखा हुआ है, जो कि मैक्सिमम हाई 240 तक जाता है, तो मैंने थोड़ा सा कम करके रखा है ताकि उससे लेग ना हो। और मैंने मेरी इम्यूलेटर डीपीआई को 320 पर सेट करके रखा हुआ है, बाई डिफॉल्ट 240 पर आती है, मीडियम पर आती है, लेकिन इसको आपको भी 320 पे कर लेना है अगर आपको मेरी सेटिंग कॉपी करनी है। तो मेरा गेमिंग माउस, तो मैं मेरे गेमिंग माउस की अगर एक्सटर्नल डीपीआई की बात करूं तो वो है मेरी 16। अगर आपको आपकी बेस्ट डीपीआई फाइंड करनी है तो रखना जैसे 800, 1600 या 2400, आपको बार बार इसको चेंज नहीं करना है। कभी आप 4800 पे खेलो, कभी आप 2400 पे खेलो, आपको बार बार ऐसा चेंज नहीं करना है। माउस डीपीआई को एक ही किसी भी डीपीआई पे फिक्स रखना है। इसके बाद हम बात करें तो हमारी जो सेंसिटिविटी रहती है इन गेम फ्री फायर की, तो वो सारी की सारी जीरो रहती है और मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर भी इसको जीरो ही रखते हैं। सेटिंग रहती है तो वो है आपकी एक सेंट वाइज सेंसिटिविटी रहती है जो माउस की रहती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती है ब्लू स्टेक्स और अदर इम्यूलेटर्स। इन्हें बेस्ट फाइंड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद मैं बात करूं आपकी, तो आपकी एक्स जो होती है वो इधर उधर देखने वाली होती है और वाई रहती है वो जो आप सिंपल सीधा ड्रैग करते हो उसको आप आपकी वाई सेंसिटिविटी रहती है। सबसे पहले आपको एक्स फाइंड करना है, तो आपको एक्स में आप जब आप गेम प्ले करते हो तब आपको अगर इधर उधर देखते हो और आपको लगता है कि नहीं आपका माउस बहुत ज्यादा कम हो रहा है या फिर बहुत ज्यादा इधर से उधर हो रहा है, तो आपको एक्स सेंसिटिविटी को थोड़ा बहुत कम कर लेना है, लेकिन इसको इतना ज्यादा भी नहीं कर लेना कि आप बहुत ज्यादा स्पीड से हो और आपका एम भी आपके एनिमी के ऊपर ना जाए। अब आपको आपकी वाई सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए जब आप ड्रैग करते हो तो आपको लगता है कि अगर आपका छाती पर एम अटक जाता है तो आपके आपकी वाई सेंसिटिविटी को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन याद रखना आपके हमेशा एक्स सेंसिटिविटी से वाई सेंसिटिविटी कम रहेगी। और अगर आपको लगता है कि आपका एम इधर उधर हिल डुल रहा है अगर जब आप फायर करते हो तो आपको आपकी वाई सेंसिटिविटी को कम करने की जरूरत रहेगी। आपको कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने जो आपको एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी फाइंड करने की ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आपको खुद को अपनी सेंसिटिविटी फाइंड करनी है। किसी भी यूट्यूबर की एक्स एंड वाई सेंसिटिविटी कॉपी नहीं करना, क्योंकि सबकी पीसी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। फिर उसके बाद जिस भी आप सेंसिटिविटी खेलो, एक्स वाई पे खेलो, कुछ भी हो, उस पर आपको बहुत ज्यादा दिन तक यानी 15 दिन तक उसी सेंसिटिविटी खेलना, क्योंकि 15 दिन आपको लगेंगे आपका हाथ सेट होने पे, आपकी आई कैचिंग सेट होने। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आपका एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ए वाली सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। आपको इस वाली सेंसिटिविटी को बहुत दिन तक ट्राई करना है, जो भी आपकी सेंसिटिविटी निकल के आती है, बेस्ट सेंसिटिविटी जो भी आप फाइंड करते हो आपके हिसाब से। आने वाले दिनों में और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है, जो कि इस प्लेलिस्ट में आने वाली बिगिनर टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस में। इसलिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप आने वाली वीडियो को जरूर देख सकें। बहुत सारे लोगों को ब्लू स्टेक्स में लेग फिक्स वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका लेग फिक्स वाला वीडियो चाहिए या फिर अदर कोई वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप कमेंट करके जरूर बता देना। आपको लेग फिक्स वाली वीडियो चाहिए या फिर ब्लू स्टेक्स मैक्रो से रिलेटेड वीडियो चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आने वाली है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और चिंता मत करना आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता देना। आपका एमपी 70 टीच आपके साथ है।